यस रन कर रहा है। व्हाई द हेल इज इट गिविंग इनवैलिड इनपुट? ओ मैंने ब्रेक लगाया ही नहीं है, पाप रे पाप, कितना घटिया मिस्टेक करता हूँ मैं। नया दिन नया वीडियो गाइस। तो आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हुआ यूँ, कुछ दिन पहले मुझे अपने स्कूल से होमवर्क मिला था जहाँ पे मुझे करना ये था कि एक क्वेश्चन था जिसके अकॉर्डिंग मुझे एक प्रोग्राम लिखना था, जिस प्रोग्राम में यूज़र जो इनपुट देगा वो देगा जस्ट नंबर्स में, एंड वो देगा कौन सा साल है वो, बेसिकली एक ईयर का नंबर ऑफ डेज पास बताने वाला था वो, एंड वो बताने वाला था किस साल का, और इसको मेरे को कैलकुलेट करके ये बताना था कि वो किस मंथ का कौन सा डे है और साल ऑफ कोर्स यूज़र दे ही रहा था। तो मैंने सोचा यार ये तो मैंने कंप्लीट कर लिया, अब क्या, वेल अब मैंने सोचा यार कुछ तो नया करना चाहिए, सो आई थॉट क्यों ना उस प्रोग्राम को उल्टा कर दिया जाए। सो आज बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको वही प्रोग्राम उल्टा करके लिख के दिखाने वाला हूँ, एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट मैं वो भी लिख सकता हूँ जो मैंने ऑलरेडी स्कूल के होमवर्क लिख कर दिया था। सो लेट्स बिगिन। तो हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पे और मैं इस प्रोग्राम को अपने लैपटॉप पे लिखने वाला हूँ, एंड मैं सोच रहा था क्यों ना इस प्रोग्राम के साथ ही हम उस प्रोग्राम को भी लिख दें, इनफैक्ट दोनों प्रोग्राम को मर्ज कर दिया जाए। आई मीन थिंक अबाउट इट, जब कोई इस प्रोग्राम को रन करेगा वो बंदा सोच रहा होगा कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ एक्सेस के ऊपर कर पा रहा हूँ। आई मीन मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बेचारा ये सोचेगा यार मैं सिर्फ ये भी पता लगा सकता हूँ कि कौन सा डे था उस मंथ, कौन सा डे था और किस मंथ में वो डे था उस ईयर का, या फिर वो ये भी पता लगाना चाहेगा कितने दिन बीत गए इस पर्टिकुलर डेट को। आई मीन फॉर एग्जाम्पल इसके फोर्थ मार्च कितने दिन बीत चुके थे फोर्थ मार्च को इस पर्टिकुलर ईयर में, लेट्स से फॉर 2020, मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैंने स्कूल दिया था। वेल तो हम इस प्रोग्राम को बेसिकली सॉल्व करके ख़त्म करने वाले हैं, एंड मैं एक और चीज़ भी सोच रहा था, नहीं वो अगले वीडियो के लिए। सो बिना किसी देरी चलिए इस प्रोग्राम को लिख के ख़त्म कर डालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को दिखा देना चाहूँगा वो ये है वो प्रोग्राम जो मैंने लिखा था स्कूल के लिए, आई मीन स्कूल का होमवर्क है ये मेरा, एंड इसमें थोड़े से माइनर चेंजेस मैंने किए थे। स्कूल ने मुझे बोला था कि अलग अलग मेथड में मेरे को ये लिखना है पूरा का पूरा प्रोग्राम, लेकिन मैंने इसको पूरा का पूरा मेन मेथड में ही लिखा, क्योंकि पता नहीं क्या बात है लेकिन मतलब स्कूल के टीचर शायद ढंग से होमवर्क दे नहीं पाते हैं। सर ने इतना कन्फ्यूजिंग मेथड नेमिंग रखा था एंड इतना कन्फ्यूजिंग वेरिएबल नेमिंग रखा था, मैं पूरी तरह से कन्फ्यूज़ हो गया था। बोला भाई भाड़ में जाए, मैं अपना खुद का प्रोग्राम लिखने वाला हूँ एंड ख़त्म करो ये झमेला, मैं अकेले मैं इसको रिजॉल्व कर लूँगा, भाई मैं इसको बना ज़रूर लूँगा, लेकिन इस ट्रिक से इतना मेरे को चिढ़ मच गया था यार मेरे को, मतलब आई मीन लिटरली इतना ज़्यादा घटिया नेमिंग का मेरे को गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने खुद के नेमिंग दे दिए वेरिएबल के साथ। ईजी मेरे को यही ईजी लगता है भाई, बेटर लगता है, एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कोडर सजेस्ट दिस, एंड ऑल्सो ये तरीका होता है नेमिंग का मैन, ये तरीका होता है, और इसीलिए मैंने इसको मेन मेथड में लिखा था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही क्लटर क्रिएट हो रहा था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा था प्रोग्राम। तो सबसे पहली बात ये पूरा का पूरा मैंने एक मेन मेथड में लिख के ख़त्म कर दिया है। अब जो मैं करने वाला हूँ वो इसको भी मैं सोच रहा था कि इसको मैं मेन मेथड में लिखूँ या नहीं, ये लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए पता नहीं, मैं स्विच केस यूज़ कर सकता हूँ, आई मीन यूज़र से पहले तो इनपुट लेना होगा कि तुमको डे नंबर कैलकुलेट करना है या क्या करना है, लेकिन मेथड में रहेगा तो फिर ये बेटर रहेगा, पहले मेन में क्रिएट कर लेते हैं मेथड में देखते रहेंगे। सो कम ऑन गाइस लेट्स डू इट। यू नो व्हाट गाइस, मैं भी इसको नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा स्लो चलता है भाई ये, मैं इसको सबलाइम टेक्स्ट में ही कर लूँगा। ऑलराइट, इसको सेव करना होगा ना, इसको फ़िलहाल के लिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, मैं उसमें नहीं सेव करना चाह रहा हूँ जहाँ पे वो वाला सेव किया हुआ है। ऑलराइट, क्या नाम दें, डेट एंड ईयर कुछ भी दे देते हैं, डेज कैलकुलेटर नाम दे देते हैं इसको। ऑलराइट, सेव हो चुका है, वीएस कोड को फटाक से काट देते हैं, दिमाग जलाता है वीएस कोड बहुत।
जो अप्रोच यूज़ किया है वो ये नहीं कि हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अलग मेथड लिया जाएगा. मैंने बेसिकली एक पूरा का पूरा मेथड ही डेडिकेट कर दिया पूरा पूरे इस पर्टिकुलर टास्क के लिए. मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर रहेगा. आई गेस तीन मेथड में हमारे सारे काम हो जाएंगे, पूरा का पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा. लेट्स सी क्या होता है. मैं इसी कोड को बेसिकली कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ फॉर दिस मेथड फॉर द केस टू. सबसे पहली चीज़ मुझे इस चीज़ को टेस्ट करना है क्या ये सच में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो पाता है या नहीं विद इन द स्विच स्टेटमेंट. अगर हो गया तो भाई बेटर है, नहीं तो अच्छा खासा एरर आएगा. जो भी खैर, और डेज पास में हम लोग कैलकुलेट करने वाले जिसको भी मैं लिखने वाला हूँ. और लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आप लोगों ने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा होगा कि यार एक खुद का बनाया प्रोग्राम एक बंदा खुद ही कॉपी कर रहा होगा. वेल इट इज़ हियर. देखिए कैसा लगता है खुद का प्रोग्राम कॉपी करते हुए. कॉपीड. अब तो बेसिकली यहाँ होने वाला ये है कन्वर्ट में जैसे हम जाएंगे है. डेज पास्ट. तो इसके लिए करना होगा कुछ इस तरह से. हमें यूज़र से इनपुट लेना है डेट. डेट ऑफ विच मंथ. डेट ऑफ विच मंथ. ओके सो हम इस आइडिया को अब अप्लाई करने वाले हैं. जो अब होने वाला है बेसिकली यहाँ पे अगेन हम यूज़र से इनपुट लेने वाले हैं. तो हम थ्रोस आईओ एक्सेप्शन लिख देते हैं. एक्सेप्शन एंड ये हो जाएगा पफर रीडर. वी आर इक्वल्स टू न्यू पफर रीडर न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड सिस्टम डॉट आई एन. अब इनपुट हमको लेना है डेट.
डेट एंड मंथ. डेट वैसे मंथ वैसे स्ट्रिंग वैल्यू होने वाला है. तो गाइस हम बेसिकली करने ये वाले हैं कि हम सबसे पहले जो ये मेथड है डेज पास्ट, इस मेथड में हम डेट इनपुट लेने वाले हैं यूज़र से, मंथ इनपुट लेने वाले हैं. बेसिकली मंथ जो होगा वो ऑब्वियसली हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेंगे, जैन या फेब या इसी तरह से कुछ. एंड उसके जो मंथ वैल्यू होगा उसको हम लोग को सर्च करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टेंस वेरिएबल में, वेट अ सेकेंड, ऑलरेडी हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल्स में मंथ स्टोर्ड है. आप देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी मंथ स्टोर्ड है. तो हम इसी मंथ में से क्या, इसी सेम एरे में से पता लगाने वाले किस वैल्यू पे मंथ है. नेक्स्ट मंथ वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि हम लोग एग्जैक्ट मंथ मिल जाए, 12th, 11th, or 10th, whatever. आई गेस दिस इज़ द ओनली एक्स्ट्रा स्टेप गाइस जो मुझे करना पड़ेगा. एंड उसके बाद सिंपली मुझे सारे डेज को ऐड अप कर देना है. फॉर एग्जाम्पल 31 प्लस 30 प्लस इसी तरह से कंटिन्यूसली. मान लीजिए सेप्टेम्बर है तो उस हिसाब से हम लोग को ये कंटिन्यूसली ऐड अप करते करते आंसर्स मिल जाएंगे. सो लेट्स डू इट. That's it for today, guys. So guys, हमने उस प्रोग्राम को खत्म कर ही दिया, आखिरकार आपने देखा ही. तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे सजेशंस में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा. एंड इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को. एंड स्टे ट्यून्ड. पीस आउट.